मैं, मेरी जेठानी, हम सब, मतलब हमारी कॉलोनी के जितने भी लोग थे, हम सब ने मिलकर होली का पूजन किया। सब ने मिलकर किया क्योंकि कुछ लोग पहले भी पूजा कर चुके थे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि हम जो है रिवाड़ी गए थे कथा सुनने के लिए प्रदीप मिश्रा जी की, तो हम सब ने बाद में पूजा की थोड़ी सी। लेकिन होली का पूजन करने में जो सब लोग साथ मिलकर करते हैं ना, उसमें जो मज़ा आता है ना, वो अकेले पूजा करने में नहीं आता। देखिए, सब लोग साथ मिलकर पूजा करते हैं। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद मैंने बाल कुकड़ी जो भी है दिखाते हैं हमारे, उसके बाद हल्दी की गांठ है, उसके बाद पानी सिलाते हैं, पताशे का भोग लगाते हैं, बेर का भोग लगाते हैं, गाजर का भोग लगाते हैं, फिर हम सब मिलकर होली की परिक्रमा देकर आते हैं। तो परिक्रमा हमने दी थी, कम से कम हमारे यहाँ तो 7 या 10 परिक्रमा देते हैं, तो सबने मिलकर दी थी हमने। तो देखिए किस तरीके से हम सब परिक्रमा दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है होली माता की परिक्रमा दे रहे हैं। देखिए, जिसके किसी के चलना बस नहीं है फिर भी वो होली की परिक्रमा दे रही है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, तो बड़ी ध्यान से होली की परिक्रमा दी जाती है। होली की परिक्रमा देते वक्त बस चप्पल नहीं होती है ना पैरों में, इसलिए थोड़ा कांटों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कांटा पैर में ना चुभ जाए। तो बड़े ही ध्यान से सब होली की परिक्रमा देते हैं। देखिए, हम सब मिलकर दे रहे हैं, तो जो साथ मिलकर पूजा करने में आनंद होता है, वो अकेले पूजा करने में तो नहीं आता। तो आप लोग भी कभी भी कोई भी पूजा करें, साथ मिलकर करें, चाहे परिवार के साथ, चाहे पड़ोस के साथ। तो हम सब तो पड़ोस के साथ ही पूजा करते हैं। देखिए, अब हमने सब ने परिक्रमा दी है, उसके बाद हम सब, हम जो है छोटे जितने भी भहुएं होती हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूकर हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है कि त्यौहार वाले दिन किसी को अगर बड़े बूढ़ों का कहते हैं ना कि आशीर्वाद मिलता है, तो इससे अच्छा और क्या आशीर्वाद होता है उनके लिए। तो ये देखिए, कुछ लोगों की परिक्रमा पूरी हो गई है जिन्होंने पहले लगाना शुरू करी थी, और जो हम लोग थोड़ा पूजा करके चुके थे तो हमारी परिक्रमा थोड़ी अधूरी रह रही थी, तो हम लोग भी अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। देखिए, परिक्रमा जो है वो जरूर देनी चाहिए पूजा करने के बाद, क्योंकि होली की परिक्रमा देने के बाद शाम को जब होली मंगलाई जाती है, तो हमारे यहाँ स्त्रियाँ परिक्रमा नहीं देती हैं, सिर्फ पुरुष ही परिक्रमा देते हैं। तो हम इसलिए पूजा करने जाती हैं तभी परिक्रमा दे देते हैं, जिसे हम परिक्रमा बोलते हैं, परिक्रमा। तो परिक्रमा हमारी जो है अब पूरी होने वाली है। देखिए, तो हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है, अब यहाँ हमने जल छोड़ दिया है।